रीवा में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जेल विभाग भोपाल के कैदियों को सौगात दी गई और आजीवन कारावास के 29 कैदियों को रिहा किया गया, जिसमें से 27 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। बता दें, मध्य प्रदेश शासन ने 15 अगस्त 26 जनवरी गांधी जयंती अंबेडकर जयंती के दिन कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया था। उसी कड़ी में गांधी जयंती के अवसर पर आजीवन कारावास सजा काट रहे 29 कैदियों को रिहा किया गया है। सभी अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ पर काम करते हैं। हाँ, मैं पंडिताई का यही से सीखा हूँ, यही कर रहा था अंदर जेल के अंदर। जी जी, पूजा पाठ वगैरह जी जी। हाँ जी जी। अब आप यहाँ से जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम तो यज्ञ का कार्य करेंगे। 1100 यज्ञ का हमने अनुष्ठान किया है। 1100 यज्ञ पूर्ण करने के बाद हम भगवान की सेवा में ही रहेंगे। मेरा सब कुछ ठीक है। आज आपकी रिहाई हो रही, कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक लगा थे। अब क्या करेंगे आप? का करब दाऊ, खेती किसानी तो है ही है, बनी मन जाएगी। जेल में कैसा सफर था अधिकारियों का? ठीक रहा, हम ही बोली का बुक। जेल में क्या काम करते थे आप? ये झाड़ू का मार। सभी कैदी आजीवन कारावास के कैदी हैं, सभी 302 के कैदी हैं। ये सभी कैदी जो है 20 साल अपने कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, मध्य प्रदेश की सभी जेलों से आज कैदी रिहा हो रहे हैं। रीवा केंद्रीय जेल से 29 कैदी रिहा हो रहे हैं, इसमें 27 पुरुष और 2 महिला हैं। इसमें से 5 कैदी ऐसे हैं जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 2 कैदी ऐसे हैं जो 70 साल से अधिक हैं।